हेलो एवरीवन, मेरे चैनल क्रिएटिव करियर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाटा 2022 एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डेट्स और सिलेबस के बारे में। बहुत सारे वीडियोस तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन मैं शॉर्ट और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँगी अगर आपने कोई और वीडियो नहीं देखा है बहुत लंबे देर के लिए बैठ के। सो चलिए, पहले तो आपके लिए इस बार 3 अटेम्प्ट्स है। पहला अटेम्प्ट होगा June 12, 2022 को, सेकेंड अटेम्प्ट होगा July 3, 2022 को, और थर्ड अटेम्प्ट होगा आपका July 24, 2022 को। ठीक है, इसमें 2 सेशंस है हर मतलब हर अटेम्प्ट में, लाइक हर डेट पे 2 सेशन मिलेंगे, मॉर्निंग और आफ्टरनून का। मॉर्निंग में 10 to 1 और आफ्टरनून में 2:30 to 5:30। तो पेपर बिल्कुल जैसा लास्ट ईयर का था वैसा ही होगा आपका, और 125 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और वहीं 1, 2, 3 ऐसे मार्किंग स्कीम होंगे। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके आएंगे, पहला होगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप, सेकंड होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, थर्ड होगा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, फोर्थ होगा प्रेफरेंशियल चॉइस क्वेश्चंस, और फिफ्थ होगा मैथ द फॉलोइंग। ओके, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे क्या क्या है ये एग्जैक्टली न्यूमेरिकल आंसर टाइप, अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपका आंसर हमेशा कोई नंबर में होना ज़रूरी होता है। तो अगर यहाँ पे मैं पूछूँ कि इस डायग्राम में कितने स्क्वायर्स है, या फिर कितने ट्राइंगल्स है, क्यूब के कितने फेसेस है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसका कोई ऑप्शन आपको दिया नहीं गया रहेगा, आपको इसका आंसर एक नंबर में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल स्क्वायर है 10, तो आंसर होगा 10। ठीक है, अगला होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आप बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हो। अगर कोई क्वेश्चंस पूछता है आपसे कि उसमें 4 ऑप्शंस दिए गएंगे और कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो क्वेश्चन अगर मैंने पूछा है प्लान सिटी इन इंडिया, ऑप्शन ए है पुणे, बी है बैंगलोर, सी है चंडीगढ़, डी है इंदौर, तो मेरा ऑप्शन मैं चूज़ करूँगी चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ इज़ अ प्लैनेट सिटी, जो कि ली कॉर्बुज़िएर एक आर्किटेक्ट है, अर्बन प्लानर है, उन्होंने प्लान किया था। ठीक है, इसके बारे में हम आगे वीडियोस में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें रिगार्डिंग आर्किटेक्चर आपके पोर्शंस के बारे में। ठीक है, तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट चॉइस जो था, मल्टीपल सेलेक्ट में क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ पेंटिंग्स ऑफ लियोनार्डो डाविंची, मैंने बस डाविंची लिखा है, लियोनार्डो डाविंची, ऑप्शन ए है मोनालिसा, ऑप्शन बी है स्टारी नाइट, ऑप्शन सी है लास्ट सफर, ऑप्शन डी है गुनेरिका, और सही आंसर्स होगा मोनालिसा और लास्ट सफर। ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे, तो आपको दोनों ऑप्शंस को मार्क करना पड़ेगा, आपका आंसर ए और सी दोनों होंगे। ठीक है, तो इसमें है मल्टीपल सेलेक्ट कि आप बहुत सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड होता है प्रेफरेंशियल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब इसमें आप एक कोई भी प्लान देता है या कुछ भी एक चीज़ देते हैं, उसमें आप प्रिफर करोगे पहला आपको कौन सा ऑप्शन लिखोगे। एक मतलब अगर प्लान बेस्ड क्वेश्चन हम देख के चले तो उसमें इक्विलिब्रियम उसमें सिमेट्री भी रहेगा, बैलेंस भी रहेगा, लेकिन आप क्या पहले लिखते हो उससे आपका आंसर प्रिफर होता है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो एक प्रॉब्लम दिया गया होता है कि जैसे कार पार्किंग का कुछ प्रॉब्लम हो और प्लानिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, और उसमें आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, क्या आप एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स पे ध्यान दोगे या फिर प्लानिंग पैटर्न में ध्यान दोगे, इससे आप एग्जामिनर क्या करना चाहता है, आप कैसे सोचते हो एज अ डिज़ाइनर एज अ आर्किटेक्ट, ये जानना चाहते हैं। वो आपके ऊपर कोई भी एक प्रॉब्लम देंगे तो उसको आप उसको पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होंगे, कोई एक मतलब या तो मानो एक कोई जिगजॉग पजल होगा, हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और इसको जाने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है और चारों सही हैं, आप चारों से पहुंच सकते हो, लेकिन आप कौन सा पाथ चुनते हो और क्यों चुनते हो, मतलब इसमें आपका प्रेफरेंस क्या होगा। ऑप्शन ये है जो आप सीधा पहुँच सकते हो, सबसे कम टाइम लगता है, सबसे कम डिस्टेंस है। ठीक है, और लेकिन वहाँ पे उस रास्ते में जाने के लिए उन्होंने एक प्रॉब्लम दिया होगा, आपको बहुत सारे पेड़ को कुछ कट करना होगा,
आप ऑप्शन ए चुनेंगे या बी चुनेंगे, जो थोड़ा आपको ज्यादा घुमा के जाना पड़ेगा, बट फॉरेस्ट या कोई चीज बीच में जो है वो अफेक्ट नहीं हो रही है, तो इसमें आपका पहला प्रेफरेंस कौन सा होगा, इस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। तो मैं अभी आपको बता दूं, कोई भी जब ऐसे टाइप का सवाल आए जहां पे आपको सोचना पड़े कि ये ऑप्शन ये, हमेशा पहले एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक आर्किटेक्ट एक डिजाइनर को चलना चाहिए। तो मैं ऑप्शन ये, भले मुझे कम टाइम लेता हो, भले मुझे ज्यादा मेरा कम पेट्रोल खाता हो, बट मैं ऑप्शन बी ही लूंगी इसमें, क्योंकि मुझे एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसी होती है। उसके बाद थर्ड होता है, लास्ट वन होता है, जो कि मैच द फॉलोइंग, जहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे आर्किटेक्ट्स का नाम दिया गया हो और उनकी एक एक बिल्डिंग को दिया गया हो, या फिर बहुत सारे इंडियन एंटरप्रेनर्स का नाम दिया गया हो और उनके स्टार्टअप्स के बारे में दिया गया हो। तो ये सबको आपको पढ़ना है। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने यूसीड और अदर डिफरेंट, मतलब सीड और एनआईडी जैसे एग्जाम्स के लिए बना के रखा है। प्लीज जाओ, पूरा प्लेलिस्ट तैयार है, उसको देखो। हिंदी में भी मैं कर रही हूँ, ऑलरेडी इंग्लिश में तो वो है ही, और हिंदी में भी मैं उनको कन्वर्ट कर रही हूँ, जल्दी आएंगे। तो वीडियोस कुछ है भी हिंदी में ऑलरेडी, उन्हें देख लो, और पूरा आपका एक प्लेलिस्ट रेडी है। और मैच द फॉलोइंग, इन सब में आपको बहुत सारी जनरल नॉलेज चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम कैसे होगा, दो अटेम्प्ट्स, अगर आप एक ही एग्ज़ाम एक ही बार का एग्ज़ाम दोगे तो आप उसी का स्कोर आपका बेस्ट माना जाएगा। अगर आप दो एग्ज़ाम दोगे, उनमें से जो सबसे बेस्ट आया होगा वो आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा। अगर आपने तीनों अटेम्प्ट्स दिए हैं, ओके, अगर आपने तीनों अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो दो जो आपने एग्जाम्स दिए हैं ना, उनके एवरेज मिला के आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा। तो ऐसा है इस बार का जो मार्किंग करेंगे। और सिलेबस अगर आप जानना चाहो तो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया है, शायद हिंदी में भी बनाया है, प्लीज़ उसको जाके चेकआउट करो, प्लेलिस्ट में होगा वो। प्लीज़ जाओ चैनल में, प्लेलिस्ट ढूंढो, और आपको ये लिटरली देखना है, क्योंकि ये आप ही के एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, और मैं बहुत सारे वीडियोस लेते आऊँगी आपके लिए, और जो भी प्रॉब्लम होगा ना, आपको किसी भी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, वीडियो को लाइक करो, वहाँ पे बताओ दिक्कत किस चीज़ में आ रही है, आपको क्या पढ़ना है। अगर मैं कुछ भी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं कर लूँगी। और वैसे तो मैं ट्यूटोरियल्स तो ले ही रही हूँ, पूरा फ्री है यार, बस सब्सक्राइब करना होता है, बस वो तो कर दो, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही कर दो, मेरे लिए काफ़ी है, आपका फीस वो है वही मान लूंगी मैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको इन्फॉर्मेशन मिला कम टाइम में, और आपको समझ में आया कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, ड्राइंग एग्ज़ाम नहीं है, अगर आप जेई पेपर टू की तैयारी कर रहे हो तो आपको ड्राइंग अच्छे से ड्राइंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।